Hey, hello guys, how are you? Hoping so. Happy at home with friends and family and enjoying this beautiful lesson. आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जहाँ पर आज आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। आज के दिन में इस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते एक अच्छी खासी इंग्लिश बात करना शुरू करें। जो प्रॉमिस मैंने आप लोगों को किया था कि आने वाले समय में जस्ट 15 वीडियोस में आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे, तो ये मेरा आज का चैलेंजिंग टास्क रहेगा जो मैं आज आपको इस वीडियो में सिंपल सेंटेंसेस बनाने की पूरी 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 जानकारी दूंगा। ये वीडियो आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का एक अच्छा वीडियो रहेगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारे इजी टास्क, इजी मेथड्स और सिंपल ग्रामेटिकल टर्म्स दिए जाएंगे जहां पर आपको आपकी भाषा बोलने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि पिछले 3 वीडियोस में आपको सेशंस अच्छे लगे होंगे। आई एम हैप्पी कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों के कमेंट्स मेरे तरफ रोज पहुंचते हैं। आपके व्यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि और जो नए सेशंस आने वाले हैं वो आपके तरफ पहुंच जाए। फ्रेंड्स, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर हम किसी भी भाषा में अगर बात करते हैं तो हम कुछ लिमिटेड रिसोर्स में बात करते हैं, ना कि हम बड़े बड़े लिटरेचर वर्ड्स को लेकर आगे बढ़ते। हम छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस, जहां पर आप मार्केट में जाते हो, घर पे रहते हो, स्कूल में जाते हो, कहीं और जाते हो, किसी मीटिंग में बैठते हो, कहां पर भी आप जहां पर भी जाते हो तो वहीं जैसे सिंपल सेंटेंस का यूज करते हो और उसके बाद में ही आपका जो संभाषण, जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव करते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और इसे निगेटिव में अगर बात करना है तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। अगर इसे सवाल पूछना है तो क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? इसे अगर सवाल पूछकर भी नकारात्मक में डालना, क्या मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं? और आपको अगर हाँ में जवाब देना है तो हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ना में बोलना है तो ना मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूं। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हम और कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं। इतना ही अगर हम इंग्लिश में बात कर ले और वो भी सिंपल तरीके से, तो मेरे ख्याल से आपकी ये स्पोकन की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि कल हमने हेल्पिंग वर्ब्स को देखा था और उसके साथ जुड़े हुए प्रनाउंस को देखा था। जब हम हेल्पिंग वर्ब्स एंड प्रनाउंस दोनों को मिक्स करते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर ढांचा हमारा बन जाता है। अगर कोई भी सेंटेंस हमें बनाना है, किसी को भी अगर हमें एक प्रॉपर ढांचे में लाना है, तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन की वर्ड का यूज करते हैं। जिसे हम सब्जेक्ट मतलब जो कोई करता या डूअर ऑफ द एक्शन जो है तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीलेश, नीलेश इज सब्जेक्ट। मैं क्रिया क्या कर रहा हूं, मैं एक्शन क्या कर रहा हूं, मैं आपसे बात करने की एक्शन कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, तो इस बोलने को हम वर्ब कहेंगे, इस एक्शन को वर्ब कहेंगे। और मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश बात कर रहा हूं या हिंदी बात कर रहा हूं, तो ये इंग्लिश या हिंदी ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन 3 चीजों को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि हिंदी और मराठी में हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इसको लेते हैं, है ना? ज्यादा कंफ्यूज ना हो, क्लिक द सब्सक्रिप्शन बटन टू गेट द न्यू वीडियोस, और इस वीडियो को पूरे ध्यान से, पूरे मन से, पूरे दिल से सुन लीजिएगा। अगर है आपके पास नोटबुक, पेन, पेंसिल, तो इसे नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको ये आने वाले समय में काम करेगा। देखो फ्रेंड्स, यहां पर अगर मैं डू और डज
इन दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूटिलाइज करो, जो डू और डज आपने पहले सीख चुके हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के टू बीज है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स है। इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम रोज जो अपनी क्रियाएं होती है इसके बारे में बात करते हैं, जो हमेशा होती रहती है। मैं बात करते रहता हूँ, आप सुनते रहते हो, ये आते रहता है, वो जाते रहता है, ये जो चीजें होती है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो हम डू और डज इन दो हेल्पिंग वर्ब का आज प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम एम इज आर के बारे में सोचेंगे और फिर हैव और हैज के बारे में बाद में देखेंगे। तो आज के दिन के लिए आपके पास है डू और डज। डू ये है आपका प्लूरल यानी कि अनेकवचन। अगर इस डू को हम प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं या तो उसे अटैच करते हैं तो क्या आएगा डू के साथ? आई डू, यू डू, वी डू एंड दे डू। डज के साथ क्या आएगा? सिंगुलर यानी कि एकवचन। ही डज, शी डज, इट डज एंड जॉन डज। जब भी डू और डज आपके सेंटेंस में आता है तो हम क्या लेंगे? क्रियापद का पहला रूप या तो क्रिया का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे स्पीक, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म। स्पोक, ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्म। एंड स्पोकन, ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म। यहां पर हम यूज करेंगे स्पीक। फ्रेंड्स, अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं, इसे कैसे बदला जाता है? अ वेरी सिंपल टेक्निक जो आपके सामने आएगी, जो आपने कभी आज तक आपके स्कूल में भी या आपके कॉलेज के दौरान भी आपने इसे नहीं सीखा होगा, इतने सिंपल लैंग्वेज में, इतने सिंपल वे में सेंटेंस कैसे बदलता है। पहला सेंटेंस बनेगा आपका अफर्मेटिव यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा। दूसरा बनेगा आपका नेगेटिव जो नकारात्मक बोलेगा। तीसरा रहेगा आपका इंट्रोगेटिव जो आपको प्रश्न पूछेगा। फिर रहेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्न पूछकर नकारात्मक बात करेगा। फिर रहेगा आपका डब्ल्यू एच जिसमें हम डब्ल्यू एच वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। वॉट, वेन, वेयर, हु, होम, विथ होम, हाउ, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये पूरी डब्ल्यू एच फैमिली ये हम यहां पर लगाएंगे। इसके बाद में डब्ल्यू एच निगेटिव मतलब प्रश्न पूछकर भी उसे निगेटिव बोलना है। फिर जब भी कोई हमारे से बात करता है, हमसे बात करता है तो हम हाँ या ना में जवाब देते हैं, तो हम यस अफर्मेटिव का यूटिलाइज करेंगे जो आपके बुक्स में नहीं दिया है। फिर हम नो नेगेटिव, ना में अगर बोलना है आपको तो नो नेगेटिव का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ये आठ अलग 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 तरीके के सेंटेंसेस के साथ आज हम बात करेंगे। लेकिन जस्ट एक सिंपल रिक्वेस्ट आपको रहेगी मेरी कि आपका पेन, पेंसिल और नोटबुक साथ में अभी रखना, ताकि जब मैं बात करूं तो आप उसी समय ये स्ट्रक्चर नोट कर लेना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो है ही आपके पास, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप और परफेक्शन के साथ बात कर सकोगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। अगर हम एक वर्ड यहां पर ऐड करते हैं, एक वर्ब अगर ऐड करते हैं, ये है स्पीक मतलब बोलना, और आपको सिंपल नैसर्गिक लैंग्वेज बात करना है, एक नेचुरल बात करना है, तो हम इस फॉर्मूला को ऐड करेंगे। हमने पहले यहां पे लिया है डू, और डू के साथ हमने लिया है प्रोनाउंस आई डू, वी डू, यू डू एंड दे डू, है ना। आपको करना क्या है, जस्ट ये स्पीक वर्ड ऊपर लगा देना है और नीचे से ऊपर पढ़ लेना है। आप मेरे साथ दोहराएंगे? कम ऑन, स्टार्ट। आई डू स्पीक, मैं बात करता हूं। They do speak, वे बात करते हैं। We do speak, हम बात करते हैं। You do speak, आप बात करते हो। ऐसे does को हमने अटैच करना है, नीचे से ऊपर पढ़ लेना है। He does speak, she does speak, वह बात करती है। It does speak, John does speak, John बात करता है। इसकी
नैसर्गिक रोज की नेचुरल क्रिया है, जैसे सनराइजेस, सनसेट्स, ये नेचुरल होता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, हमें ये नेचुरल है। ऐसे ही ये डू और डज हम नेचुरली बात करेंगे। अब यहां पर ये हो गया आपका अफर्मेटिव, आई डू स्पीक, ये हो गया आपका नेचुरल सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आई ये है आपका सब्जेक्ट, डू है आपका एचवी दैट इज हेल्पिंग वर्ब, एंड स्पीक ये है आपका वर्ब। आई डू स्पीक मतलब यस प्लस एचवी प्लस वी वन प्लस ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई डू स्पीक इंग्लिश। तो इसी तरह आप इसे रिपीट करना है। पहला फॉर्मेशन नीचे से ऊपर अगर आप पढ़ते हो तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अभी वैसे ही ऊपर डू के बाद नॉट अगर लगाते हो और नीचे से ऊपर पढ़ते हो तो ये बनेगा नेगेटिव, आई डू नॉट स्पीक, शी डज नॉट स्पीक। वैसे आप इन सबको अटैच कर सकते हो, इन सब के साथ बात कर सकते हो, जैसे आई डू नॉट स्पीक, वी डू नॉट स्पीक, यू डू नॉट स्पीक, दे डू नॉट स्पीक, शी डज नॉट स्पीक, ही डज नॉट स्पीक, इट डज नॉट स्पीक, जॉन डज नॉट स्पीक, जॉन बात नहीं करता है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम इंटरोगेटिव या तो प्रश्नार्थक में अगर बदलना है इसे, तो हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे और नॉट निकाल देंगे, है ना। आपको जस्ट करना क्या है, स्ट्रक्चर तो सेम आपके सामने वैसे की वैसे ही है, बस ऊपर से नीचे पढ़ना है और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क देना है। डू आई स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बात करता हूं। और इधर डज के साथ अगर जाते हो तो डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वह बात करती है। तो इसी सबको आप मिला दो, डू आई स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम बात करते हैं, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज इट स्पीक इंग्लिश, द जॉन स्पीक इंग्लिश। तो ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। वैसे ही आप नेक्स्ट फॉर्मेशन में जाएंगे जिसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते समय सिंपल सा स्टेप है, जैसे आपने इंट्रोगेटिव किया था ऊपर से नीचे पढ़ा था, अब हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे ही पढ़ना है लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर से नीचे पढ़ना है। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, क्या मैं इंग्लिश बात नहीं करता हूं। डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बात नहीं करते। डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बात नहीं करते हैं। ऐसे ही डज के साथ हम जाते हैं, डज शी नॉट स्पीक इंग्लिश, डज इट नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना। तो वैसे आप इसको ट्राई कीजिए। अब हम WH वर्ड्स के साथ जाते हैं, तो अभी अगर इसको देखेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, इसका एक रूल क्या बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, डज शी नॉट स्पीक इंग्लिश, डज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, प्लस शी क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका एक रूल किस चीज का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। आपको WH क्वेश्चन बनाना है जिसमें आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, होम, विथ होम, हाउ, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, वेयर, एनीथिंग, एनी WH वर्ड यू कैन यूज हियर। अगर इंग्लिश बात करना है तो हम क्या कहेंगे, इंग्लिश के लिए कौन सा WH लेंगे हम यहां पर, व्हाट मतलब क्या। चलो यहां पर WH वर्ड डू और डज के ऊपर लगाते हैं और उसे ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, वॉट डू आई स्पीक, वॉट डू आई स्पीक, मैं क्या बात कर रहा हूं, वॉट डू दे स्पीक, वो क्या बात कर रहे हैं। यहां पे डज के साथ अगर जाते हैं तो वॉट डज शी स्पीक, वो क्या बात कर रही है, वॉट डज ही स्पीक, वॉट डज जॉन स्पीक, वॉट डज स्टूडेंट स्पीक,
ये हो गया आपका ऊपर से नीचे का एक ढांचा जिसमें आप WH क्वेश्चन बना चुके हो। अगर आपको इसी चीज को हाँ या ना में जवाब अगर देना है तो आप क्या करेंगे? अगर मैं पूछूं आपको कि आपने खाना खाया है, तो आप पूछेंगे हाँ या तो ना। क्या आप इंग्लिश बात करते हो? आप तो बोलेंगे एक तो हाँ या तो ना। क्यों ना हम पूरे सेंटेंस में इस चीज को बात करें? जैसे कि अगर हम यस, YES, यस अगर हम सब्जेक्ट के नीचे मतलब पहले लगाते हैं यहां पर, और नीचे से ऊपर अगर पढ़ते हैं तो क्या बनेगा? यस आई डू स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बात करता हूं। यस दे डू स्पीक इंग्लिश, हाँ वह बात करते हैं। यस वी डू स्पीक इंग्लिश, हाँ हम इंग्लिश बात करते हैं। यस शी डज स्पीक इंग्लिश, यस ही डज स्पीक इंग्लिश, यस इट डज स्पीक इंग्लिश, यस जॉन डज स्पीक इंग्लिश। आर यू गेटिंग इट? मतलब कितना सिंपल तरीके से। अगर इसे निगेटिव में टर्न करना है हमें, मतलब नकारात्मक में अगर टर्न करना है, आपको पूरा ध्यान अगर वहां पर उस स्ट्रक्चर के ऊपर दे, तो सिंपली आपको दो वर्ड यहां पर ऐड करना है नो नेगेटिव करते समय, या तो आपका जो पूछा हुआ सवाल है उसका अगर जवाब देना है, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बात करता, नहीं वो इंग्लिश बात नहीं करती, अगर आपको ये बोलना है सिंपल, नीचे नो लगाइए और डू डज के ऊपर नॉट लगा दीजिए, नीचे नो डू डज के ऊपर नॉट। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? No, I do not speak English. नहीं मैं इंग्लिश बात नहीं करता हूं। No, I do not eat food. नहीं मैं खाना नहीं खाता हूं। No, I do not listen. No, I do not read books. Getting it? वैसे ही इधर से does को करते हैं हम। No, she does not speak English. No, she does not read books. No, she does not listen music. आपको करना क्या है? आपको सिंपली वर्ब चेंज करना है, और नीचे से ऊपर या तो ऊपर से नीचे ऐसे सेंटेंसेस बनाना है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट मतलब अगर आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे आठ के आठ अलग अलग सेंटेंसेस आपके बन चुके हैं। आई डू स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बात करता हूं। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बात नहीं करता हूं। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बात करता हूं? डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बात नहीं करता हूं? वट डू आई स्पीक, वट डू आई नॉट स्पीक? यस आई डू स्पीक इंग्लिश, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आठ सेंटेंसेस हो चुके हैं आपके, बस स्पीक को चेंज कर दो और वहां पर 10 अलग 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 वर्ब्स को लगा दो तो सेंटेंस बन जाएगा। आई डू स्पीक इंग्लिश, आई डू रीड इंग्लिश, आई डू राइट इंग्लिश, आई डू लिसन इंग्लिश, वर्ब चेंज कर दो सेंटेंस बन जाएगा। होप सो कि ये स्ट्रक्चर आपको इस सेशन में इंग्लिश बात करने का कॉन्फिडेंस 100% दिलाएगा, और आप आज से इस वक्त से इस समय से इंग्लिश बात करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज माई गारंटी। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज क्लिक द बटन एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर योर कमेंट्स, ताकि मैं आने वाले सेशन में आपके कमेंट्स के ऊपर काम करते हुए नए वीडियोस लेकर आऊंगा। टिल देन स्टे होम, बी हैप्पी एंड स्टार्ट लर्निंग विद द टॉकिक्स क्लब। अगर आपको ये सेशन बड़े पैमाने पे करना है, या तो लाइव सेशन अगर अटेंड करना है, तो आप टॉकिक्स क्लब www.tokics.club इस वेबसाइट पर जाकर क्लिक कीजिए और आप लाइव सेशन के लिए एनरोल कर सकते हो। शेयर दिस वीडियो टू मोर ऑफ योर फ्रेंड्स। टिल देन थैंक यू फॉर लिसनिंग। नीलेश बाय।